बजकर 21 मिनट का वक्त हो गया है, क्या रफ्तार पकड़ी है मतदान? देखिए, जिस बात को लेकर आशंका थी पंकज और अमन की, दोपहर होते ही जो मतदाता है वो उनकी संख्या कम होगी, उसी तरीके से अमूमन यहाँ पर दिख रहा है। एक एक करके जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार काम जैसे खत्म होता है। सुबह के 6:30 बजे जब मतदान 7 बजे शुरू हुआ तो 6:30 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे, और उसके बाद करीब 8, 8:30 या 9 बजते बजते धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी से बचने के लिए मैं इस दौरान जो दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है, पिंक बूथ है, और यहाँ पर पंखे, इसके अलावा बड़े बड़े कूलर उनका इंतजाम किया गया है, पीने के पानी का इंतजाम किया गया है, जिससे कि गर्मी से बचा जाए। और ये पिंक जो बूथ है यहाँ पर ज़्यादातर इंतजाम है, वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, लेकिन लोग जो हैं अब धीरे धीरे आना उन्होंने बंद किया। अब हो सकता है जैसे ही दोपहर 3 बजे के करीब का वक्त आएगा तो शायद रफ्तार पकड़ेगा। अब जरा रुक कर लेते हैं विवेक हमारे सहयोगी बारामती। लेकिन पंकज, जब धूप बढ़ेगी तो शायद और लोग, मतलब उसमें तो शाम होते होते शायद वोट परसेंटेज में वो कम हुआ है, अभी वो बता रहे थे। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांधीनगर गुजरात से। अमित, वहां पर क्या, मतलब वोटरों में क्या उत्साह है, किस तरह का वोटिंग परसेंटेज, लोग निकलकर घरों से बाहर आ रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं अमित? अमन, देखिए 9:30 बजे तक करीब 10% के आसपास वोटिंग परसेंटेज था, और इस वक्त हम थरतेज इलाके में हैं अहमदाबाद के, और आप ये तस्वीरें देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही है बावजूद इसके ये कतारें हैं, तो इसका मतलब कम से कम अहमदाबाद की बात हम करें अमन, तो अहमदाबाद में वोटर्स का जो इंथुजियाज्म है, वोटर्स का जो इंटरेस्ट है, वो हमें यहाँ पर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, पूरी तरीके से यह शहरी इलाका है, 80% यहाँ पर अर्बन वोटर्स हैं, और बावजूद इसके कि 11 बज चुका है, लेकिन लोगों के उत्साह में, लोगों की ये कतारें हमें कम होती भी नहीं दिखी हैं। हमेशा यहाँ पर इस बूथ पर सुबह से करीब 70-80 लोगों की लाइन 3-4 पॉइंट्स पर यहाँ पर लगी हुई है अमन। और एक छोटा सा अगर रिएक्शन ले लें भैया, गर्मी तो बड़ी है, गर्मी तो है सब, तो आप कुछ सुबह आ जाते? नहीं नहीं, अभी वो तो ऐसा चलता है, अभी वो कम। तो 4:30 घंटे का वक्त बीत चुका है, 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, वोटिंग शुरू हुई है अमन, और रफ्तार कम है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है जैसे जैसे शाम नजदीक आएगी, सूरज थोड़ा नीचे आएगा, ढलना शुरू होगा, तो रफ्तार पकड़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पहले 2 चरणों में भी हमने देखा पिछली बार की तुलना में, 2019 की तुलना में थोड़ा सा अंतर है कम की तरफ। बिल्कुल, आज उम्मीद करते हैं कि अब जैसे जैसे शाम नजदीक आएगी, सूरज थोड़ा ढलना शुरू होगा, तो लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें और हैं, बारामती भी आपको लिए चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान जारी है, एक एक खबर सबसे पहले आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर, कहीं मत जाइए। प्रधानमंत्री उतर चुके हैं अपनी गाड़ी से, उतर रहे हैं, और अब वहां से चलकर जाएंगे बूथ की तरफ, जहां तक गाड़ियों की इजाजत होती है वहां तक उनकी गाड़ी रुकी, और अब वो चलकर बूथ की तरफ जाएंगे। लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं, वहां पर खड़े हैं, देख रहे हैं उनको, और इसी झलक के लिए वो काफ़ी देर से खड़े थे वहाँ पर लोग, क्योंकि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर ही गाड़ियों को रोकना होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो, और इसलिए ये लोगों को पता है कि गाड़ी वहाँ रुक जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री पैदल ही निकलेंगे, तो वो झलक जो है वो मौका मिलेगा लोगों को प्रधानमंत्री को देखने का, वो मौका आपको भी मिल रहा है न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर देखने का। प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं और मिलते हुए अमित शाह, और ये देखिए पटका पहनाया